कहाँ छुप रही है, कहाँ छुप रही है, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, मेरी तोसी करेगी ब्लॉगिंग। आज आज तोसी बोली मम्मी हम ब्लॉगिंग करेंगे। सही में बहुत शर्मीली है, हमसे कह रही थी उसमें क्या है ब्लॉगिंग में, हम तो खुद बोल लेंगे कैमरा में फटाफट से, तो हम इसको लेवा के आए कि हाँ बेटा बोल दो, इतना ही कह दो वेलकम करती हूँ मम्मी की चैनल। भाग गई। दो दिन हो गए हैं, रोज कुछ ना कुछ पार्सल आता ही रहता है। ठीक, एक तो कंपनी से आता है फ्री वाला, लेकिन ये फ्री वाला नहीं है भाई, ये मैंने पैसे दे के मंगाए हुए हैं। तो मोहल्ले वाले अलग यार टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, इनके यहाँ होता क्या है, डेली इतना पार्सल आता है, इतना पार्सल आता है, क्या क्या मंगाती हैं भाई। देखो गिफ्ट हो या पार्सल हो, लोगों को बहुत एक्साइटमेंट रहती है इसके अंदर आखिर है क्या, क्या मंगाया इन्होंने। तो फिलहाल तो मैंने ऑर्डर कर रही हूँ इस समय, बहुत मैंने कम से कम नहीं है तो 8-10 हज़ार की शॉपिंग कर ली धीरे धीरे। माता जी कुछ पैसे दे रही हैं, कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। तो आज मैं सबकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी क्या क्या मंगाया है। और ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं पता क्या कर रही हूँ, ये मैं अपनी फ़ोटो शूट कर रही हूँ। थंबनेल के लिए मुझे फ़ोटो चाहिए होती है ना, और यहाँ पे कोई क्लिक करने वाला नहीं। तो उसी है वो तुरंत भाग गई तन्वी को छोड़ने के लिए ट्यूशन, तो मैंने एक वीडियो बना ली, उसी में से कैप्चर करके एक फ़ोटो निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये पागलपंती नहीं है मेरी, ये बहुत सीरियस मैटर है, मैं अपनी फ़ोटो ले रही हूँ, तो हंसिएगा मत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितने सारे पार्सल रखे हुए हैं, और ये पार्सल फ्री वाले नहीं हैं, ये मैंने सारे पैसों से ऑर्डर किए हैं। तो भाई जब खुद के पैसे कमाने लगो ना, तो कोई चीज का भी मन हो फटाक से ऑर्डर करने में मन लगता है, और अपनी कमाई की बात ही अलग होती है। तो वैसे तो आपको पता है कंपनी से बहुत सारे चीजें आती रहती है, मेरे पास बहुत सारा सामान आता है, और मिक्सी ओवन कितना सारा है ऊपर रखा है, किसी दिन ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। बेटा तुम खोलना स्टार्ट करो। बट ये सब मैंने खुद मंगाया है, ये कंपनी से नहीं आया है, मैंने अपने पैसे खर्च करके मंगाया है, क्योंकि इन सामान की मुझे नीड थी, जरूरत थी। और कंपनी के पास जरूरी नहीं है कि आपको जो चीज पसंद हो तो वो उनके पास हो, ठीक है, कि आपको वो भेज दे, ठीक। तो इसलिए मैंने खुद मंगाया है, ये सारे पार्सल अभी रिसीव हुए हैं, और भी सारे ऑर्डर किए हैं बट वो अभी नहीं आए हैं, वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो ये मैंने क्यों रिसीव क्यों मंगाया है, ऑर्डर किया है, एक्चुअली मैं ना अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मुझे वीडियो की क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, इसलिए मैंने फिर सोचा। हाँ उस दिन गुरु जी ने कहा था ना धर्म संग नहीं रक्षा, थोड़ा सा टाइम आ गया है क्वालिटी को चेंज करने का। बट टीमिंग तो मैं नहीं लगा सकती हूँ, आपको पता है मेरी किचन कितनी छोटी सी है, लेकिन मैंने सोचा टीम नहीं लगा सकती, लेकिन थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह की क्वालिटी चेंज कर सकती हूँ, कुछ अच्छे सामान और मंगा लूँ। वैसे तो बहुत सारा मंगाती रहती हूँ, बट मैंने फिर से चेंजिंग की है, काफी सारा सामान मंगाया है। तो अब मैं आपको अनबॉक्सिंग करके सबको खोल खोल के दिखाऊंगी मैंने क्या क्या मंगाया है, और सारे मैंने अपने पैसे खर्च करके ही मंगाया है। तो बढ़िया खुशी हो रही है भाई, अब कुछ भी मेरा मन होता है मैं फटाक से ऑर्डर कर लेती हूँ। और जब मैं कमाती नहीं थी ना, तो 200-400 रुपए की भी मुझे अगर ऑर्डर करनी होती थी या लेनी होती थी, तो 100 बार सोचना पड़ता था उसके लिए, कि मतलब बहुत मन में वो रहता था, बट अब नहीं रहता है, अब तो मैं फटाक से मंगा लेती हूँ, क्योंकि अपनी कमाई की बात ही कुछ और होती है। तो आप भी यूट्यूब पर खूब मेहनत करिए, और जो कुछ मन हो आप मंगा सकते हो। ओए बेटा चाकू दो, चाकू नहीं कैची दो, मैं चाकू लेके आती हूँ। हम भी तो खोले दिखाओ। तो ये देखो फ्रेंड्स, इसको कोरियर खोलने में कितने मजा आते हैं पार्सल, बहुत मजा आता है। ये कह रही थी मम्मी मैंने अपनी लाइफ में इतने गिफ्ट कभी नहीं खोले जितने आपके चक्कर में पार्सल खोले हैं। ठीक, ये तो मैंने ऑर्डर किए, लेकिन जब कंपनी से आता है ना तो इससे भी ज्यादा आता है, बहुत भर भर के आता है बिल्कुल। तो ये खोल रही है, और अब देखते हैं क्या क्या मंगाया है, सब कुछ दिखाती हूँ मैं। दिखाओ ये क्या है, वाओ अच्छी है ना, तो सी क्वालिटी कैसी है इसकी, अच्छी है, वाह बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये मैंने प्लेटिंग के लिए मंगाए हैं, ठीक है। अब बहुत सी चीज़ें मंगाई हैं, भी दिखाती हूँ आपको क्या क्या मंगाया। मैंने प्रेस्टीज की कढ़ाई, इसको भी खोलती हूँ बेटा, दे मेरे पास बड़ी कढ़ाई बहुत थी, छोटी नहीं थी, तो मैंने ये छोटी सी मंगाई है। कभी कभी जरूरत पड़ जाती ना, हम ज्यादा बड़ी ना दिखा के छोटी सी दिखा के। और थोड़ा सा इसका जो लुक था वो चेंज था, देखिए गोल शेप में है, ये देखिए बिल्कुल गोल में है ना, तो इसलिए मैंने और मंगाई थी। मेरे पास सारी वैसे में है फैले मोए वाले में, तो ये मंगाई थी मैंने। और इसके साथ मुझे एक लिड मिली है, ये देखिए इसको भी हम रख लेते हैं, और सब खोलने में लगे हुए हैं माता जी भी।
और अब मैंने मंगाए हैं ये स्टील के बाउल, और ये मुझे बहुत बड़ा लग रहा है यार। एक ये है और एक ये है, तीन बाउल मंगाए थे। ये देखिए, ये भी काफ़ी क्वालिटी बहुत अच्छी है और महंगे भी नहीं है ज़्यादा, शायद 300 रुपये ऐसी कुछ है, मुझे याद नहीं। सबके लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर चाहिए हो किसी कुछ भी तो। ये देखिए, ये भी अच्छे हैं ना, तो ये देखिए अच्छी क्वालिटी है इसकी भी, बढ़िया है, यानी कि सभी चीज़ें अच्छी आई हैं। मुझे लग रहा था कुछ रिटर्न ना करना पड़े। और ये हो गया, दो चीज़ें हो गई। और अब मंगाया है ये मैंने, ये इसलिए मंगाया है तो चॉपिंग बोर्ड के काम में आ जाएगा, ऊपर से इसको रख के सर्विंग प्लेट रख के अच्छा लगेगा देखने में लुक, तो इसको भी मैंने मंगाया है। और एक मैंने ये मंगाया है, ये भी चॉपिंग बोर्ड है, लेकिन इसको इस तरह से खोल दीजिए तो ये बन जाएगी आपकी बास्केट। ये देखिए, ये आपकी बास्केट बन गई है, इसमें आप सिंक में रख के आराम से बर्तन वगैरह कप अप धोना हो तो आप धो सकते हैं। और ये है, इसको आप निकाल देंगे तो सारा निकल जाएगा, ये देखिए। और जितना आप छोटा करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं इसको, चॉपिंग बोर्ड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने किस तरह से, ये देखिए, इसमें एक जाली वाली छन्नी है, इसमें एक जाली वाली छन्नी है, और एक सिंपल सा बाउल है, और एक ये है इसी के साथ। ये देखिए, इसमें आप चिप्स वगैरह कट कर सकते हो, कद्दूकस करना होगा, ये सब चीजें कर सकते हैं। ये जग है, ये देखिए अंदर कॉपर का है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब बहुत ही अच्छी है यार, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो ये शायद ना मैंने इसलिए मंगा लिया था कि पापा को कभी तांबे के बर्तन में पानी यानी पीने का मन होता है, और इसके ग्लास भी बहुत अच्छे हैं ये, वाओ फिनिशिंग देखिए। तो ये भी मैंने मंगा लिए थे, ऑर्डर कर लिया था सारा। तो ये तो काफ़ी कॉस्टली है, 1900 का कुछ का है, ये तो बहुत कॉस्टली पड़ा। और इसके अलावा मैंने ये कुछ फ्लावर मंगाए हैं, और भी मंगाए हैं, वो अभी ऑन द वे हैं, रोज के 6 फ्लावर। ये देखिए, ये लोटस, ये सब वीडियो के लिए हैं, बढ़िया सजाने बजाने के लिए। ये भी मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, अब दिखाओ। और ये मैंने जब वीडियो शूट करूंगी ना, तो अभी देखते हैं आपकी जो ब्लैक बैकग्राउंड रहता है मेरा कुकिंग का, तो उसके लिए मैंने मंगाया है, इसको बैकड्रॉप बोलते हैं। तो इसमें ना अलग अलग 6 डिजाइने हैं, 4-8 डिजाइन हैं, आप, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और कुछ नहीं रह गया, तो अभी 2 दिन में जितना रिसीव हुआ मैं उतना दिखा रही हूँ। अगर ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, 1-2 दिन का टाइम मिला, तो और भी ऑर्डर आ जाएंगे, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इसको पलट के करेंगे तो इस तरह की डिजाइन है, इस तरह की है, ठीक है। और ये देखिए, ये हो गई, ये पूरा सेट है चारों का, ठीक, अलग अलग बिल्कुल रहेगी, मतलब आप जो बैकग्राउंड करेंगे ना वो अलग अलग रहेगा नीचे वीडियो का, ये देख सकते हैं, सबका अलग अलग है, तो काफी अच्छी है ये, करे दे रहे हम, करे दे रहे। और सब इसकी अच्छी खासी लेंथ भी है, आराम से वीडियो शूट के लिए बहुत अच्छा है ये, तो मैंने मंगा लिया था। ए लाइट आ गई तो ऐसी चलाओ जल्दी फटाफट, वो है जल्दी चलाओ, अभी ना आ रहा लाइट नहीं आ रही थी फ्रेंड्स, गर्मी में वीडियो बना रहे थे, दरवाजा बंद कर दो, पता क्यों बना रहे थे, तन्वी मैडम चली गई ट्यूशन पढ़ने, बनाने नहीं देती, वो आतंक काट देती, सब पत्थर पत्थर कर देती, इसलिए हम और तोसी ने कहा जल्दी से फटाफट से बना लेते हैं। तो इन सबके फ्रेंड्स में लिंक दे दूंगी। तो अभी 2 दिन में जो रिसीव हुआ वो सारा मैंने इस तरीके से आपको निकाल के दिखा दिया है। और ये जो बैकड्रॉप है ना, ये बहुत अच्छी है, कुकिंग के साथ साथ किसी भी कैटेगरी की वीडियो, जैसे मेहंदी की हो या कोई DIY की हो, उसके लिए भी आप मंगा सकते हो, ठीक है। अब मुझे और भी पार्सल रिसीव हो गए हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले शूट कर लिया था, एडिट कर नहीं पाई, तो और भी चीज़ें आ गई हैं, तो चलिए फटाफट से वो भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी और भी ऑर्डर आ गए हैं, तो चलिए झटपट से दिखा देती हूँ, मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, फालतू का बर्बाद करवाऊँगी। तो इसमें मैंने जो मंगाया है वो है कांच का एक बाउल है, लेकिन ये स्क्वायर शेप में है, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, सर्विंग अर्विंग के लिए बढ़िया है। और एक और खोल देती हूँ,
इसके अंदर है प्यारे सी चटनी बाउल, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, ये सेरेमिक के बने हुए हैं। हे भगवान, कितने रुक रुक के पार्सल आ रहे हैं, आप लोग भी परेशान हो रहे हो, रक्षा ने क्या क्या मंगा लिया। ये मैंने एक हांडी मंगा ली है इस तरीके की, तो इसमें ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, और इसके साथ लिड भी आई है। तो मेरे साथ पास ना बहुत सारी लिड हो गई हैं इसी चक्कर में। और लीजिए दो फ्रेंड पार्सल और आ गए हैं, तन्वी आई तभी आ गए थे, अब ये भी खुलवाएगी, घंटे भर लगेंगे इसको खोलने में, तो चलिए इसको भी खोल लेते। तो ये सेरेमिक की दो प्लेट हैं, दोनों के साथ एक एक चटनी का बाउल है। तो अभी दो तीन दिन में जितने मुझे रिसीव हो गए मैंने आपको दिखा दिए, अभी आगे और भी आएंगे तो वो आप मेरी कुकिंग वीडियोस में धीरे धीरे देखेंगे। तो आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर करें।